गुड आफ्टरनून, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोगों ने डीएससीपी कॉन्सेप्ट को रखा है और डीएनएस रखा है। कल हमने अभी तक हम लोग दो क्रिटिकल सेशन को ओवर कर चुके हैं। एक तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है विद कनेक्शन, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन था राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसमें हमने दो तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स को समझने की कोशिश की। एक हमने स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स को समझा, दूसरा हमने डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर रिप वाले जो प्रोटोकॉल है उसको समझा। तो इन दोनों से आपको ये समझ में आ गया कि डाटा कम्युनिकेट कैसे हो रहा है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ठीक है, आज हमारा जो तीसरा और नेटवर्क का आखिरी सेशन होगा, दिस इज द डीएससीपी एंड डीएनएस, ये नेटवर्किंग पोर्शन यहाँ तक ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी के लिए बढ़ेंगे। तो नेटवर्किंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आज है डीएससीपी एंड डीएनएस। डीएससीपी का मतलब होता है, इसको हम लिखते हुए भी बात करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकली इसको शो करेंगे। डीएससीपी एंड डीएनएस, ये है दो सेशन, देखते हैं आज एक ही हो पाएगा तो कल दूसरा डीएनएस कर लेंगे, कोई इशू नहीं। सबसे पहले हम डीएससीपी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द डीएससीपी? डीएससीपी का मतलब होता है डायनेमिक हॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका दूसरा नाम है ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी। क्लाइंट बेसिकली क्या होता है कि हम कभी नेटवर्क में, हम हैं चाहे आप हो कोई भी हो, जब हम लोग इंटरनेट से जुड़ते हैं थ्रू वाईफाई हो या केबल के माध्यम से हो या मोबाइल का डाटा कम्युनिकेशन ऑन करते हैं, तो कभी भी आईपी एड्रेस हम लोग खुद से सेट नहीं करते। क्योंकि एक बात तो आपको समझ में आ गई है कि बिना आईपी एड्रेस का कम्युनिकेशन आज के ज़माने में होता नहीं है। सभी स्मार्ट डिवाइसेज आपस में एक दूसरे से आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, तो विदाउट आईपी एड्रेस देयर इज़ नॉट कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। सेकेंड थिंग इज दैट कि हम लोग आईपी एड्रेस नहीं डाल रहे, इसका मतलब हमारे नेटवर्क में ऐसा कोई अरेंजमेंट है जो ऑटोमेटिक हमारे मोबाइल फ़ोन को आईपी देता है। बेसिकली ये काम जो डीएनएस और डीएससीपी, ये भी राउटर का ही काम है। घर में जैसे आपका मॉडम है उसको राउटर मॉडम इसलिए बोलते हैं कि उस मॉडम के अंदर राउटर का ये फीचर इनबिल्ट होता है डीएससीपी और डीएनएस का। यानी कि जैसे आप वाईफाई में घर पे वाईफाई से आप जुड़ते हैं, तो आपका जो मॉडम है वो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल फ़ोन को, आपके जो भी लैपटॉप है या जो भी है डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिस पे आप इंटरनेट जोड़ रहे हैं, उनको आईपी दे देता है। तो ये एक तरह का काम राउटर का था, लेकिन चूंकि घर में राउटर नहीं लगा सकते, मॉडम लगा होता है, तो राउटर को ये पर्टिकुलर काम सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम उस मॉडम के अंदर लगा देते हैं। इसीलिए हमने उसको राउटर मॉडम, राउटर वाईफाई या राउटर स्विच कहते हैं। ठीक है, अब ये काम दो, बेसिकली ये काम दो तरीके से हो सकता है। पहली बात तो राउटर का तो है ही है, ठीक है, तो पहले हम राउटर पे देखते हैं, दूसरा काम हम इसको डीएससीपी सर्वर बना के करते हैं। पहले हम राउटर का देखते हैं कि किस काम कैसे करेगा। ठीक है, तो मैं अपना जो कल वाला जो नेटवर्क है जिस पे हम सभी लोग काम कर रहे हैं, पहले मैं उसको ओपन करता हूं और बहुत आसानी से सिंपली राउटर के पास में सारे फंक्शनलिटी होती हैं, केवल हमें कमांड फायर करने की ज़रूरत होती है, केवल इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत होती है, जैसा कि हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल में कर रहे थे। राउटिंग प्रोटोकॉल में हम क्या कर रहे थे कि राउटर कहते थे भैया तुम्हें स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का और नियम फॉलो करना है, वो फॉलो करने लगता था। हमने कहा रिप वाला फॉलो करना है, रिप वाला फॉलो करने लगता है। उसी तरह मैं राउटर को कहूंगा कि तुम अपना डीएससीपी का भी काम करो, उसे सारा काम मालूम होता है, लेकिन वो करता तभी है जब हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल पे ही करते हैं ताकि आपको कम टाइम बचेगा और समझ में भी आएगा। तो जस्ट अगेन बैक आते हैं हम लोग, आपका ये देखिए अभी क्या है कि इन दोनों में तो हम लोगों ने स्टैटिक आईपी डाला था मैन्युअली, यहाँ पे गए थे और खुद किसको क्या आईपी देना है डेस्कटॉप में गए और हमने यहाँ पे मैन्युअली डाल दिया था। बाकी जो हमारे लैपटॉप हैं इनमें अभी तक कोई भी हमने आईपी नहीं डाला है। ठीक है ना, अभी देखेंगे डीएससीपी लिखा हुआ है, हमारे कंप्यूटर में डीएससीपी की जगह ऑटोमेटिक लिखा होता है, तो यहाँ डीएससीपी अभी फेल आ रहा है क्योंकि वही सर। लेकिन जब मैं राउटर को इंस्ट्रक्शन दे दूंगा तब मैं इसे चाहे लैपटॉप पे जाऊँ, ठीक है ना, चाहे मोबाइल फ़ोन पे जाऊँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आईपी आ जाएगा। और कौन सा आईपी आएगा जो मैं यहाँ पे प्लानिंग किया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, राउटर को क्लिक करिए, इस पर कमांड फायर करने के लिए सबसे पहले इनेबल कॉन टी। ठीक है,
अब मैं राउटर को बोलूंगा, हे राउटर तुम्हें डीएससीपी का काम करना है। अगेन रिपीट, राउटर को मैं इंस्ट्रक्शन देने जा रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहुंच गए, जो कि आपको प्रैक्टिस हो गई है जाने की। अब मैं राउटर को बोलूँ हे राउटर तुम्हें डीएससीपी का काम करना है, तो लिखूंगा आईपी डीएससीपी पुल। राउटर को तुम्हें डीएससीपी पुल का काम करना है। कंप्यूटर में हम कोई भी काम करें तो कोई ना कोई नाम देते हैं, एमएस वर्ड पे काम करते हैं या ये जैसे हमने फाइल सेव किया, तो जब तक नाम नहीं देंगे सेविंग नहीं होगी। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैं ये एनआईटी के लिए बनाना हो तो एनआईटी के लिए डीएससीपी पुल बना देता हूँ। राउटर ओके आई एम रेडी फॉर द डीएससीपी पुल फॉर एनआईटी। अब कोई भी आईपी दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं पहले देख लेते हैं। आईपी के अंदर जरूरी चीज़ें हैं गेटवे देना और नेटवर्क का आईडी बताना, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मिनिमम। तो मैं यहाँ पे कौन सा गेटवे डालूंगा, तो गेटवे के लिए कमांड होती है डिफॉल्ट राउटर, डिफॉल्ट हाइफन राउटर। तो मैं कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि कमांड लिखने से बच जाऊँ मैं। यस, ये पूरी कमांड होती है, सॉरी ये कमांड होती है डिफॉल्ट हाइफन राउटर, ठीक है, ये पूरी कमांड होती है। अब मैं गेटवे क्या लिखना है यहाँ पे, जितने भी है सबका गेटवे 10.10. यहाँ पे 10.10.10.1 है, एंटर कर दीजिए। और किस नेटवर्क का आईपी बांटना है, ये जो भी नेटवर्क है इस किस नेटवर्क का आईपी बांटना है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। नेटवर्क कौन सा नेट, हे राउटर तुम्हें डीएससीपी पुल का काम करना है, एनआईटी के नाम से सेविंग करोगे, जिसका गेटवे ये होगा और इस नेटवर्क का आईपी बांटना है 10.10.10.0, जो भी नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क आईडी फर्स्ट आईपी एड्रेस अगेन रिवाइंड /24 है, इंटर। मैंने फायर कर दिया। अब राउटर को देखेंगे, अब जैसे मैं टैबलेट पे आता हूँ, अभी आप देखना क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आईपी आ गया, ठीक है ना। आप मोबाइल फ़ोन पे चेक करिए, 5 आ गया, ठीक है ना। लैपटॉप पे चेक करिए, 6 आ गया, ठीक है ना। जैसे ये हमारा कंप्यूटर है इसको चेक करिए, अभी स्टैटिक है, मैं इस पर डीएससीपी पे क्लिक कर दूंगा तो इसका आईपी जो भी होगा 7 से आगे फर्दर आपका सामने चेंज हो गया। तो इसी तरह से हम जब नेटवर्क में जुड़ते हैं तो अपने राउटर कंप्यूटर्स को इस तरह से आईपी अलॉट करते हैं। एक चीज़ और है, ये तो हो गया कैसे देना है, बहुत आसान है, 3 कमांड होती है, आपने किया और फटाफट हो गया। नाउ हमारे नेटवर्क के अंदर दुनिया में 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आईपी कभी भी स्टैटिक नहीं होगी, मैनुअली नहीं होगी। अगेन रिपीट, वर्ल्ड में पूरे दुनिया में 2 ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी आईपी कभी ऑटोमेटिक नहीं रखना है। पहला, राउटर के ये जो पोर्ट हैं इनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं रखना है। अगेन रिपीट, राउटर के पोर्ट हैं उनकी आईपी कभी भी स्टैटिक नहीं रखना है। नंबर 2, जो भी सर्वर बनाओगे उनकी भी आईपी कभी स्टैटिक नहीं रखना है। सर्वर क्या होता है, ऐसा कंप्यूटर जो पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दिया जाता है, तो वो भी कभी भी आपका स्टैटिक नहीं होगा, सॉरी ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिए, देयर आर 2 थिंग्स इन द वर्ल्ड देयर आईपी नेवर ऑटोमेटिक, आइदर डीएससीपी सर्वर आइदर डीएससीपी जो कॉन्फ़िगरेशन है, ऑलवेज पुट स्टैटिक, उन्हें स्टैटिक रखना है या मैनुअली रखना है, एक ही मतलब है, और वो है राउटर का पोर्ट, नंबर 2 सर्वर। तो मैं क्या करूंगा, कुछ यहाँ पे जैसे यहाँ पे सर्वर लगाया या राउटर का कोड दिया, इनकी आईपी ऑटोमेटिक ना हो इस चीज़ से बचने के लिए मैं यहाँ पे कुछ आईपी रिजर्व भी कर सकता हूँ। यहाँ तक तो ओके हो गया, मैं एक लाइन और फायर कर सकता हूँ यहाँ पे, आईपी डीएससीपी पूल एक्सक्लूडेड, हाइफन एड्रेस, मैं उस एड्रेस को छोड़ना चाह रहा हूँ, कौन से 10.10.10.1 से लेके 10.10.10.10 तक, यानी 1 से। हे राउटर, अगेन मैं इसको लैंग्वेज में बोल देता हूँ, हे राउटर तुम्हें एनआईटी के लिए डीएससीपी का पुल बनाना, नंबर 1, ठीक है, जिसका गेटवे ये होगा, नंबर 2, और किस नेटवर्क का बांटना, नंबर 3, ठीक है। यहाँ तक तो काम करना चालू कर देगा, लेकिन हमें नेटवर्क में कुछ आईपी हमेशा रिजर्व रखना पड़ता है जो स्टैटिक आईपी के रूप में यूज किया जाता है, वो मैंने इस लाइन से फायर कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं जैसे ही फायर करूँगा फिर देखो क्या हो जाएगा आपका इसमें। ओके, इसमें पहले देखता हूँ लिखने में कोई गलती हो गई है, थोड़ा क्लीन करते हैं, पहले इसको क्लीन कर देते हैं, क्या गड़बड़ी, आईपी डीएससीपी पूल एक्सक्लूडेड एड्रेस 10.10.
पूल नहीं लिखना है, पूल तो ऑलरेडी बना चुके हो, एक्सक्लूडेड होगा ये, डायरेक्ट लिखना है। पूल तो हमने पूल नहीं बनाना, पूल का मतलब किस क्या बना रहे थे, यहाँ तो ऑलरेडी हमें रिजर्व रखना है, तो ये वर्ड नहीं होगा यहाँ पे। अब देखिए अब सही हो गए, ठीक है, डू राइट। ये हमने यहाँ पूल लिख दिया था गलती से, पूल तो मतलब बनाने के लिए होता है, पूल हमें ये रखना है, उसमें इंस्ट्रक्शन ये दे रहा है 1 से 10। अब आप देखिए, अब मान लीजिए हमारा टैबलेट है, अब यहाँ पे 4 है। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, क्लासरूम में जैसे कि हम लोग आप में से एक काम करते हैं, किसे पूछते हैं, कौन बताएगा, चलो आज निशांत प्लीज अनम्यूट, आर यू देयर निशांत, आप यस सर, यस सर, सर निशांत ये बताओ, जब कॉलेज में पढ़ने जाते हो, क्लासरूम में जाते हो, तो आप कहाँ बैठते यस हो? सर, पीछे नहीं, बाकी लोग जमीन पे बैठते हैं, आप सीट पे बैठते हैं ना। नहीं सर, मतलब सेकंड थर्ड रो में बैठते हैं सीट पे। हाँ, आपको याद है ना कि मैं सेकेंड रो पे बैठता हूँ, मेरे 4-3 दोस्त हैं, उनके साथ ही बैठता ही होता है ना, ठीक यस सर, है ना। शुरू में नहीं रहा होगा, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद आदत पड़ गई होगी ना, इसी कुर्सी बैठते, निशांत ही मिलेगा, इसी कोने मिलेगा, 4 लोग के साथ मिलेगा, ठीक है। आपके साथ नहीं, यस मेरे साथ भी होता है, स्वभाव होता है, इंसान का स्वभाव होता है कि बाई नेचर पहले जहाँ पे बैठ जाता है, तो 2-4 दिन बाद जहाँ कंफर्टेबल हो जाता है, उसके नेचर में आ जाता है, फिर वहीं बैठता है। कुछ लोग के आगे बैठने की आदत होती है, कुछ लोग साइड की, कुछ की पीछे की, ऐसा बहुत रेयर होता है। फिर आप आगे, अगर अगले दिन मैं नियम बना दूं, अभी आपने बोला सेकेंड रो पे अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठते थे, मैं नियम बना दूं कि नहीं भाई, सेकेंड रो फर्स्ट रो, सेकेंड रो थर्ड रो पे केवल केवल फीमेल बैठेंगे जो कैंडिडेट है, या फिर पर्टिकुलर रोल नंबर वाले ही बैठेंगे, ठीक है। उस दिन मैं आपको तो नहीं हटा सकता, लेकिन अगले दिन आओगे तो नियम अगले दिन से लागू हो जाएगा, तो फिर आप उस सीट पे तो नहीं बैठ पाओगे, फिर आप अपने हिसाब से जो आपको सीट अलॉटमेंट है, क्योंकि एग्जाम में कब बैठते हो, एग्जाम में तो वही बैठते हो ना जहाँ आपको कहा जाता है, ये नहीं कि मैं क्लासरूम में यहाँ बैठता हूँ तो मुझे भी एग्जाम में भी ऐसा बैठा, ऐसा नहीं होता। उसीलिए तो यहाँ पे अभी हमने जो किया, यहाँ पे अभी ये बैठे हो, चूंकि ये समझ लो निशांत अभी 10.4 पे बैठे थे, लेकिन अब हमने नियम बना दिया राउटर को कि भाई अब 10.1 से लेकर 10 तक बैठाना नहीं है किसी को, ठीक है। तो निशांत अभी जब जिस दिन बैठे उस दिन डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं इसको दोबारा से मैं इसको चेकअप करने की कोशिश करूंगा, तो 10 के ऊपर से मिलेगा, उसको सीट पे जा ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो जैसे इसीलिए अभी यहाँ पुराना देखा, आप जब भी चेक करेंगे हर चीज अब 10 के ऊपर मिलेगा थोड़ी देर में यहाँ पे कार्य। तो रियल में जब हम लोग कमांड फायर करते हैं ना, राउटर को रीसेट कर देते हैं, तो रीसेट करते ही ये सारे उड़ जाते हैं, फिर उनको नया मिल रहा है। और रीसेट नहीं करेंगे तो जैसे निशान कह रहे ना, सेकंड रो के कुछ लोगों के साथ बैठे तो सही मिलेगा, तब तक वे लैपटॉप में देखते हैं इसमें किया कि नहीं, इसको भी हम फ्रेश कर देते हैं, तो आगे 11, 12, 13, 14 मिलेगा। ऐसे ही हम कुछ आईपी रिजर्व भी रख लिया, और कहाँ से कहाँ तक देना है, ठीक है। तो ये हो गया DSCP, होपफुली कि DSCP राउटर के द्वारा कैसे किया जाता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो वीडियो देखिए फिर से करिए, बाकी दैट। अब हम आ जाते हैं दूसरा काम, रियल में राउटर का काम क्या है कि यहाँ से डाटा निकालो और दूसरी जगह भेजो, यही है। ये भी हो सकता है, अब चूंकि राउटर का मेन काम है, लेकिन हम इसको सारा काम दे दें, अगर कोई बड़ा नेटवर्क है जैसे कि LTTC इज द बिग नेटवर्क, छोटे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राउटर को ही DSCP बना लो, DNS बना लो, सब करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि छोटा लोग है, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं। लेकिन जैसे मेरा कैंपस है या NIT कैंपस है, जहाँ हजारों लड़के हैं, हजारों स्टूडेंट हैं, 2,000, 3,000, 1,000 इस तरह से स्टूडेंट हो गए एकदम से, तो वहाँ पे राउटर पे बहुत ज़्यादा लोड ना हो, क्योंकि राउटर खराब होगा लाखों रुपए का खराब होगा, तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम राउटर में एक कंप्यूटर खरीदते हैं, जैसा कि मैंने बताया सर्वर। सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, एक बार रिपीट करेगा कोई, मैंने फिर एक दिन बताया था, व्हाट इज द सर्वर कंप्यूटर? सर्वर कंप्यूटर इज समथिंग व्हिच इज डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क। तो ये ऑलरेडी हमने बताया और आपको याद है। तो हम क्या करेंगे, एक सर्वर कंप्यूटर खरीदेंगे मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपए का, और उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर डाल देंगे। अगर खराब होगा, ये DSCP का, DNS का, AAA का, नेब्रो का, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी आप बना सकते हो, एक हम सर्वर कंप्यूटर खरीदेंगे, उसी के अंदर ये सॉफ्टवेयर जो है TCS, विप्रो, जो भी कंपनियां, इन कंपनियों से टाई अप करके सालाना बेसिस पर हम खरीदते हैं और उसमें डाल देंगे लाइसेंस वर्जन का। अगर कभी खराब होगा तो पर्टिकुलर सर्वर खराब होगा, 1-1.5 लाख का कंप्यूटर खराब होगा, उसके साथ जो सॉफ्टवेयर खराब होगा, फिर हम नया उसकी जगह लेंगे, राउटर हमारा बचा है नहीं, राउटर को बचाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहीं पे कि
इसको तो चलो बने रहने देते हैं, एक काम करते हैं इसको क्लीन कर देते हैं आपके सामने, इसको तो हम बने रह देते हैं। हमें इधर वाला जो नेटवर्क है यहाँ पे हम एक जो GMTD वाला है यहीं पे हम एक सर्वर की व्यवस्था कर लेते हैं। यही हमने जॉब एड में भी किया है, तो मैं इसको जॉब एड आपको शेयर कर दूंगा अगर शेयर नहीं किया है तो। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, नो करते हुए इसको रिमूव करिए, और मैं एक स्विच लेता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। और एक काम करते हैं, ये जो आपका वाईफाई है इसको यहाँ से रिमूव करके इधर से जोड़ लेते हैं, सर भीड़ कम हो जाएगी। अब इस वाईफाई को मैं यहाँ से लगाता हूँ और इसको उठा के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, दो नंबर पे लगा देते हैं कहीं, ठीक है। और केबल लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना, ये हमने जोड़ दिया जनरल समझने के लिए। इस केस में हम क्या करेंगे, और एक काम करते हैं इसमें हम DNS का भी बना लेते हैं, DNS का हम लोग कल देख लेंगे, लेकिन अभी उसका बना लेते हैं। इधर आ जाइए, इसको हम थोड़ा इधर खींच लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्वर भी ले लेता हूँ। नीचे जाओगे ना, यहाँ पे नीचे कंप्यूटर में आप देखना, ये सिंपल कंप्यूटर है, आगे सर्वर का सिंबल अलग है। क्या डिफरेंस है, नॉर्मल कंप्यूटर पर जैसे हम लैपटॉप करेंगे कॉन्फिग देखेंगे तो यहाँ बहुत कम सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे सर्विस नाम का कोई ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। किसी का क्या होगा, सर्विस नहीं होगा तो यहाँ भी कुछ ना कुछ अवेलेबल होगी। अब सर्वर कंप्यूटर, ये नॉर्मल कंप्यूटर था, अगर मैं सर्वर कंप्यूटर उठाऊँ और यहाँ पर लगाऊँ और इस पर क्लिक करके देखूँ, इसमें देखो सर्विस नाम का है, कॉन्फिग में तो वही दिख रहा है, लेकिन यहाँ सर्विस, सर्विस में ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं इसके अंदर पड़े हैं, इसलिए इसका सिंबल अलग से बनाया गया है, राइट। तो मैं यहाँ पे केबल लेता हूँ, एक काम करते हैं तीन सर्वर ले लेते हैं लगे यहाँ, एक सर्वर दो सर्वर, इसको इधर ले आ दो, तीन सर्वर ले लेते हैं। कभी मैं बताता हूँ क्यों क्यों लिया मैंने, एक ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर सॉफ्टवेयर पड़ा है, BSNL सॉफ्टवेयर बनाता नहीं है, सॉफ्टवेयर परचेजर से सॉफ्टवेयर खरीदता है और उनको डाल के इंस्टॉल कर लेता है। ये जो ऊपर वाला सर्वर है इसको हम लिख देते हैं, ये DHCP सर्वर बना देते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे DHCP, और हम इसका IP एड्रेस डाल देते हैं, ये 10 के सीरीज में है, 10.10.20.5 कर लेते हैं। ये जो दूसरा है आपको, इसको हम DNS सर्वर बना देते हैं, DNS भी लगे हाथ कर लेते हैं, टाइम बचेगा और मतलब भी समझा देंगे आपको, 20.10 कर लेते हैं, 24, क्योंकि सर्वर कंप्यूटर को कभी भी ऑटोमेटिक IP नहीं देना है, तो आप प्लान करोगे कि IP देना है, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो मैं कोई भी रख सकता हूँ, मैंने प्लान किया 5 रख लेते हैं, 10 लिख लेते हैं, 6 रख लेते हैं, आपके हाथ में है, आप यू आर नॉट बाउंडेड, लेकिन इनकी IP हमेशा स्टैटिक होगी, ये चीज़ याद करने वाली है। एक हम वेब सर्वर, जितनी वेबसाइटें होंगी, ठीक है ना, वेब सर्वर हो गई आपकी 10.10.10.11 कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम इनको आपस में कनेक्शन जोड़ देते हैं, वो तो केबल्स लिया हमने, स्विच में लगाएंगे, यहाँ लगा दीजिए, दूसरा स्विच लीजिए, तीसरा स्विच लीजिए, ठीक है ना। ये हमारे पास में सर्वर हो गए, इन्हें मैंने जोड़ दिया। अब जो हमने IP प्लान किया है उसी तरह से इसको IP डेस्कटॉप पे जाएंगे, इसको दे देते हैं। मैंने प्लान किया है, क्योंकि ये सर्वर हैं इसलिए मैं मैनुअली दे रहा हूँ, 10.10.20.5, सामने 255.255.255, गेटवे 10.10.20.10, इसमें गेटवे 1 हो गया। अब यहाँ चूंकि DNS भी हमने ओ कर लिया है, बना लिया है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे DNS सर्वर की भी IP डाल देता हूँ। मैं DHCP में गया, जो भी खाने थे मैंने सारे एंट्री कर दी मैनुअली, क्योंकि ये सर्वर है। अगेन मैं जा रहा हूँ आपका DNS में, DNS में क्लिक किया, डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे मैं इसको IP दे देता हूँ। मैंने क्या प्लान किया, 10.10 कर देते हैं, 255.255.255। विवेक जरा अनम्यूट करें। Yes, sir. इसमें जैसे हमने यहाँ पे 10 दे दिया और यहाँ पे हमने दे दिया 255 गेटवे दे दिया हमने, ठीक है ना, सॉरी सबनेट और गेटवे हो गया 10. ये आपका आ गया। अब ये बताओ, ये DNS खुद है ये,
ठीक है, क्या यहाँ पे डीएनएस में डीएनएस की आईडी लिखनी जरूरी है क्या? बाकी लोग भी बताएं, ये डीएनएस खुद है, हमने बताया कि तुम्हारा आईपी एड्रेस ये है, गेटवे ये है और डीएनएस खुद है, तो क्या इसके डीएनएस सर्वर में ये लिखना जरूरी है 10.10.20.10? क्या लगता है आपको? यस सर, लिखना जरूरी, लिखा जाएगा क्यों? सर क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे हम तो फिर हम मतलब जो क्लाइंट हमने रिक्वेस्ट करेगा वो कैसे हमारे पास पहुंचेगा? वो तो आएगा 20.10 से आएगा ना, वो तो पहुंच जाएगा, उसको तो पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इससे आगे, इससे क्या मतलब है डीएनएस में? क्या डीएनएस में तुम कुछ भी लिखो, तुम्हारे हाथ में है। जैसे मेरे रियल कंप्यूटर है, ये मेरा रियल कंप्यूटर है, मैं इसका आईपी दिखाता हूँ, देखो ये मेरे रियल कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये मेरा रियल कंप्यूटर है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और इसके मैनुअली आईपी में जाते हैं हम, देखो यहाँ पे ये तो हो गया मेरा आईपी एड्रेस, ये मेरा सबनेट और ये हो गया मेरा गेटवे। अब यहाँ पे डीएनएस में दो डीएनएस लिखे हुए हैं, एक डीएनएस मैंने ये लिखा है, दूसरा डीएनएस मैंने ये लिखा, तो यहाँ तो मैं कुछ भी लिख सकते हो, आप बाउंडेड नहीं हो। मेरा जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये सुबह के जो तीन इंपॉर्टेंट पोर्सन है उसकी वजह से हो रहा है। अब डीएनएस की हम बात करेंगे, लेकिन बस हम सिंपल ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे डीएनएस की आईडी लिखनी जरूरी, जैसे मैंने यहाँ पे दोनों पे लिख रखा है, मैं इसको ब्लैंक भी कर सकता हूँ, लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, जबकि खुद ही डीएनएस है। तो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आप लोगों को, आपने सुनी भी होगी शायद, मैंने बताई कि नहीं बताई आप लोगों में, कि एक धोबी था, वो अपने घर से तालाब पे कपड़े धोने के लिए 10 गधों के साथ गया, जब लौटने लगा तो एक गधे के ऊपर बैठ गया और काउंटिंग स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 1 से 9 काउंट कर रहा था, 10वां वो काउंट नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि 10वें के ऊपर वो खुद बैठा हुआ था, ठीक है, तो उसके दिमाग से बात भूल गया या इस दिमाग को नोटिस करना भूल गया कि जो 10वां नंबर का है वो खुद बैठा है, वो भी काउंटिंग में आना चाहिए। तो उसी तरह से कंप्यूटर साइंस या इंसान के द्वारा बनाए गए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंसान ने बनाया, तो उसकी जो सोच है, जो उसकी विचारधारा है, उन मशीनों के साथ अटैच होती है। अगर मैं यहाँ नहीं लिखूंगा तो ये काम वही करेगा, सबके साथ बात कम्युनिकेट करेगा, लेकिन जब खुद की बारी आएगी तो खुद ही कन्फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि अपने बारे में बताया ही नहीं किसी ने, तो इसको बताना पड़ेगा। सिर्फ डीएनएस की नहीं, सारे चीज़ों के लिए, कंप्यूटर साइंस हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कम्युनिकेशन हो, अगर आप इन मशीनें ऑटोमेटिक इतनी सेंसेबल नहीं हुई हैं, इतना एआई अभी स्ट्रांग नहीं हुआ है कि ऑटो से आगे, और ना ही हमें करना भी है, ये आपके लिए भी वार्निंग है कि एआई को इतना सेंसेबल ना बना दो कि कुछ ज़माने में ऐसा ज़माना आ जाए कि मशीनें आपको आपका ऑपरेशन खुद ही करने लगे, आपको भी इलाज विलाज करने लगे, गुलाम बना लें, तब यहाँ पे मित्रों नहीं मशीनें बोलेंगी, हाँ भाई साथियों चलो बैठो, ठीक है, अभी तो इंसान बोल रहा है कि मशीनें घूमने, तो वो सेंसेबल लेवल पे भी नहीं जाना है, तो हमेशा ये ड्रॉबैक रखनी है, एक कंट्रोल जो है इंसान के पास बना रहे। तो इसमें इस तरह के सॉफ्टवेयर कैसा भी बना लो, ये जरूर बनाया जाता है कि इसको ऑटो सेंसर रिमूव कर रखा है, इस तरह के जो हायर लेवल का सेंसेबल है कि भैया तुम्हें ही बताना पड़ेगा कि तुम ही डीएनएस हो, ये सभी के ऊपर लागू होता है। अब लास्ट में एक वेब सर्वर जिसपे वेबसाइटें हो सकती हैं, इसके लिए भी बना देते हैं, इसके लिए हमने 11 कर दिया तो 11 कर दीजिए, प्लस 24 है तो आप हो ही गया, गेटवे और डीएनएस सर्वर 10, ठीक है। अब हमारा ये, क्योंकि ये सर्वर थे तो इसलिए मैंने इनको स्टैटिक आईपी दे दी, ठीक है। अब जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको आईटी कंपनियां जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की हैं, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम है, टीसीएस, विप्रो, बिरला सॉफ्ट, महिंद्रा टेक और भी एकेडेंस, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, ज़्यादातर कंपनियां क्या करती है इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाती हैं। तो जैसे हम लोग भी हैं तो इन कंपनियों से सॉफ्टवेयर लेते हैं, तो जैसे कोई भी मैंने आपको पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर दिया तो आपने क्या किया, पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करना आपके लिए बहुत आसान था और उसके बाद आप इसमें यूज कर रहे हो, मेरे साथ प्रैक्टिकल में शामिल है।
ठीक है, उसी तरह से ये जो सॉफ्टवेयर है हम उन कंपनियों से लाइसेंस वर्जन पे खरीदते हैं, अपने कंप्यूटर में बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे कि नॉर्मल आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। ठीक है, अब इसमें डिपेंड करता है कि इंडिया के अंदर सर्वर किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बनाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर विंडोज होता है, लिनक्स होता है और iOS होता है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम को बराबर पावर दी गई है। पहला विंडोज में हम और आप काम करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जितने भी हमारे सर्वर बनाए जाते हैं वो सब लिनक्स में बनाए जाते हैं, और जितने भी हमारे नेटवर्क के डिवाइसेज हैं, राउटर हैं, स्विच हैं, स्मार्ट डिवाइस, ये सब में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जनरल ट्रेडिशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विंडोज कंप्यूटर को सर्वर नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो आप, जो आपका एप्पल कंप्यूटर है उसको बिल्कुल बना सकते हो, सॉफ्टवेयर उसी तरह लाओ डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि लिनक्स वाला जो है हमारे ट्रेडिशन में है, एक लोगों की क्योंकि फैमिलियर नहीं होने की वजह से सिक्योरिटी बढ़ जाती है, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। तो हम उसी तरह सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आइकन बन जाता है। तो ये इन सब में जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी खरीद के हम लोगों ने डाल रखा है, अब BSCP में क्या करना है, सिर्फ सॉफ्टवेयर को चालू करना है, क्लिक करिए कॉन्फ़िग या सर्विस में मिलेगा। अब मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर, आप मान लो आपने सपोज करो विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम में DNS इंस्टॉल कर लिया, आइकन बन गया, आप BSCP पे गए, जैसे क्लिक करेंगे ये स्क्रीन खुलेगा, क्योंकि सिमुलेटर है तो सब एक ही जगह दिखाई दे रहा है। रियल में क्या होगा, जब क्लिक करोगे तो 1x1 स्क्रीन आएगा, सबसे पहले पूछेगा गेटवे बताओ, ठीक है, आपने लिखोगे 10.10.20.1, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट बटन दबाओगे, फिर पूछेगा DNS सर्वर बताओ 10.10, फिर पूछेगा अगले में नेक्स्ट बटन दबाओगे IP एड्रेस कहाँ शुरू करें, तो आपने कहा भाई 15 शुरू करो, यानी 1 से 14 अपने आप रिजर्व हो गया, सबनेट आपका सही, यहाँ पे कोई चेंज करना चाहो तो कुछ नहीं। अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि कितने IP एड्रेस, कितने अभी बाई डिफॉल्ट /24 है तो 254 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, ये तो आपको भी मालूम है, ठीक है, तो उसमें से 1 से 15 अगर मैं रिजर्व कर दिया तो अभी भी 254 में से 15 माइनस कर दो तो करीब आपका 239 के आसपास में आप जोड़ सकते हो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे नेटवर्क में केवल 10 लोग काम करें, 20 लोग काम करें, तो यहाँ मैं वो संख्या लिख सकता हूँ, मान लो 100 लिख दिया, तो चाहे कुछ भी हो 100 से ज़्यादा नहीं जुड़ेगा। 101वां नंबर वाला जब भी वाईफाई में जुड़ेगा अपटेनिंग IP, अपटेनिंग IP का मैसेज आता रहेगा, वो जुड़ेगा नहीं जब तक कोई एक डिस्कनेक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो आपके हाथ में कितने यूजर रखना चाहते हो, घर में आपका टाटा स्काई है, आजकल सारा डिजिटल है, तो घर में 2 डिश TV, सब एक कमाल ही का है, आप घर में केवल यहाँ पे हम मैं अगर एक डाल दूँ, ठीक है ना, और सेव कर दूँ, तो घर में जो भी TV लगाओगे ना एट ए टाइम एक ही चलेगा। जब पेमेंट 2 का करोगे तो क्या करते हैं, कंप्यूटर जाते हैं अपने डिजिटल बॉक्स में और यहाँ पे 2 कर देते हैं, 3 जोड़ना 3 कर देते हैं, तो यहाँ जो लिखोगे उतने चीज़ें जुड़ जाएंगे। तो घर का जो डिश TV है आपको समझ में आ गया होगा कैसे 1, 2, 3 TV चलती हैं, उसका कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ और मैं इसको सेव करूँगा। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर DSCP, DSCP दुनिया में एक अकेली ऐसी सर्विस है जिसकी सर्विस हमेशा बाद में ऑन की जाती है, याद रखना, यहाँ अगर पहले पूछे तो ऑन नहीं करना, हमेशा बाद में, पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए उसके बाद सर्विस ऑन करिए। अब मैं सर्विस ऑन करूँगा, फिर मैं सेव कर दूँगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, 1x1 सॉफ्टवेयर खरीदा, डाला, इंस्टॉल किया, एज पर रिक्वायरमेंट मैंने सेटिंग कर दी और नाउ चेक नाउ। अब मैं टैबलेट को चेक करता हूँ, ठीक है, देखो इसमें ये उस साइड का था तो उसकी मेमोरी में भी पड़ा हुआ है, मैं दोबारा से चेक करता हूँ। अभी देखिए यहाँ सारा आ गया, 20 के सीरीज में आ गया, ठीक है ना। अब फिर हमारा मोबाइल फ़ोन पे देखते हैं, इसमें भी सारा आ जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया। लैबलेट का टैबलेट को भी देख लेते हैं क्लिक करके, ओके। तो ये हमारा DSCP था, ऑलरेडी हमने वो कर रखा है, क्या बोलते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल, तो ये आपका कमिंग भी काम करेगा आपका, देखिए आ गया नेट मेमोरी, ओके, ठीक है। तो ये हमारा DSCP का वो था कि DSCP ऑटोमेटिक IP अलॉटमेंट कैसे करते हैं। कल हमारा 2 काम रहेगा, एक तो ग्रुप फोटो करेंगे हम लोग और DNS का काम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का जॉब एड मैं शेयर करूँगा जो आपका होम असाइनमेंट की तरफ होगा, और उसमें क्या करना वो मैं कल आपको बताऊँगा, ठीक है। यदि आपको कुछ पूछना है, इसमें कोई डाउट हो, कोई मेरे साथ कर रहा था वो कर नहीं पाया हो, तो प्लीज़ अब आपको समझ में आ गया DSCP कैसे काम करता है।
एनी क्वेश्चन डाउट यस या नो मैसेज के द्वारा बताइए फटाफट, इसको काम को कर लीजिए, आपके लिए हित में है। या ठीक है विवेक आपको हो गया, ओके ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं ठीक है। आपका टाइम यही रहेगा 1:30 या 2 बजे के बीच में होगा, आधे घंटे के आगे पीछे हो सकता है। आज के लिए इतना ही, एनी कोई मोर क्वेश्चन मोर डाउट यू कैन आस्क। सर हाँ बोलो सर, जब ये सर्वर ने DHCP का ऑप्शन दिया हुआ है तो सर्वर में DHCP का ऑप्शन दिया हुआ है तो आगे क्या था आपका कुछ? मैन्युअली क्यों करते हैं इसको, इसमें क्यों जाते हैं? आप आपकी आवाज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, या तो आप मुझे चैट लिख के दें या स्क्रीन शेयर करके कुछ कहना चाह रहे हो तो ज़्यादा समझ में आएगी। आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझ पाया हूँ कि बाद वाले जो वर्ड बोले मुझे समझ में नहीं, आपने क्या बोला कि मेमोरी कुछ बोल रहे हैं ना, लिख दीजिए प्लीज। सर वो कह रहा है कि हमें जब DHCP का ऑप्शन दिया हुआ है तो हम फिर मैन्युअली क्यों करते हैं? DHCP का ऑप्शन दिया हुआ है तो मैन्युअली क्यों करते? DHCP का ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? इसमें दिया है ना, सिमुलेटर में। रियल में तो DHCP तो आपको खरीदने पड़ेंगे ना, या तो राउटर में होगा या तो खरीद के सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा। ये तो सिमुलेटर है ना, ये तो सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल में आपको मान लो आपका अपना ऑफिस सेटअप करना है, ऑफिस के अंदर आप पूरा IT इंफ्रा को सेटअप कर रहे हो, तो वहां पे तो या तो राउटर के अंदर इस चीज को कॉन्सेप्ट को करोगे, नहीं तो सर्वर के लिए सॉफ्टवेयर खरीद के ही लगाओगे। यहाँ सिमुलेटर है इसलिए यहाँ पे अलग अलग चीजें आपको दी हुई है। मेरी पॉइंट समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस, मेरा आपका क्वेश्चन नहीं था ना? यस सर, DHCP का ऑप्शन है तो स्टैटिक पे क्यों करते हैं? अच्छा, एक ये चीज हो, इससे स्टैटिक तो देखो क्या है कि जो हमारे पास में जो सर्वर स्टैटिक, देखो हम रियलिटी में एक चीज और भी हो सकती है कि अगर आपका सवाल ये भी है कि हम लोग स्टैटिक कर सकते हैं, DHCP का स्टैटिक क्यों करते हैं? तो देखिए जो क्या है, आप डायनेमिक में प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी मैंने जो IP दिया, सपोज करो ये जो मेरे पास IP है ये लैपटॉप है, अभी ये क्या है ऑटोमेटिक IP है। अगर मैं इसको दोबारा से IP लेने की कोशिश करूँ तो देखो क्या आता, चलो अभी इसमें क्या आ रहा है 17 आ रहा है, तो मैं काम करता हूँ इस कंप्यूटर के अंदर, यहाँ पे इस IP को मैं 17 कर देता हूँ, ठीक है ना, मैनुअली स्टैटिक दे देता हूँ, सपोज करो ऑलरेडी यूज आ रहा ना, तो काम करते हैं मैं यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 10.17 कर देता हूँ, ठीक है ना, मेमोरी से पहले हटाना पड़ेगा, हटा नहीं है, मेमोरी में भी पड़ा है, अभी ये जो हमारा स्पीच है इसको याद रख रहा है। जब मैं इसको दोबारा से वो करूंगा DHCP, एक्चुअली इसने याद कर लिया कि ये मेरा दोस्त है, टैबलेट मुझे 17 ही देना है, इसलिए इसको देने से मना कर रहा है ये, ठीक है, लेकिन इसके पास में जो IP थी क्या थी, कुछ और दे देते हैं। तो ऑटोमेटिक में समस्या ये होती है कि अगली बार जरूरी नहीं है कि उसको 17 ही मिले DHCP में। तो अगर आप काम करना चाहते हो, मान लो आप, मैं यहाँ पे हूँ ऑफिस में और घर से मैं अपने ऑफिस के कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है, तो अभी तो आज तो नया नया सॉफ्टवेयर आ गया, आप टीम व्यूअर के माध्यम से, एनी डेस्क के माध्यम से कर सकते हो, लेकिन वास्तव में रियली में अपने कंप्यूटर में काफ़ी कुछ करना चाहते हो वास्तव में, तो ये इस केस में अगर विंडोज है, तो अगर विंडोज नहीं है जैसे कि मैं राउटर टू राउटर, उस केस में अगर रिमोटली करना चाहते हो तो मैं अपने राउटर को कब एग्जिस्ट कर पाऊंगा? अगर इसको मैं डायनेमिक IP दे दूं और मैं यहाँ पे बैठा हूँ दूसरे नेटवर्क में बैठा हूँ, तो मैं इस नेटवर्क का सेटअप करना चाहता हूँ राउटर को, ठीक है, ये मान लो मेरे तो 100 किलोमीटर दूर है और मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा देहरादून का राउटर इसका इंचार्ज मैं हूँ, यहाँ पे गाजियाबाद में बैठा हूँ, तो मैं उस राउटर का अगर स्टैटिक IP ना दूँ और डायनेमिक छोड़ दूँ तो जरूरी नहीं है कि जो उसका IP था वही IP हमेशा रहे। डायनेमिक IP का मतलब है
अगर उस आईपी में पहले से कोई यूज कर लिया, किसी और ने कर लिया, तो आईपीओ उसका अलॉट नहीं होगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगर मैं इसको 17 देने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ और इसकी मेमोरी में चला जाएगा तो नहीं लेगा, मना कर रहे, बार बार मना कर रहा ना। तो ये डायनेमिक आईपी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि एक आईपी जो है ऑलरेडी हो सकता है कोई और यूज करे, तो आप फिर उसको अलॉट नहीं कर पाओगे। तो हो सकता है कि मैंने जितने भी इस राउटिंग प्रोटोकॉल में कॉन्फ़िगर किया था वो सब मैंने जिस आईपी से किया था, किसी कारणवश राउटर बंद हो गया और एक कंप्यूटर द्वारा ऑन हुआ, तो उसके पहले इस कंप्यूटर ने इस डीएससीपी के माध्यम से वो आईपी ले लिया। तो मैंने किया था 16.2 पे और 16.2 किसी को अलॉट हो गया, तो मैं इस राउटर को तो ऑन ही नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे 100 किलोमीटर दूर जाके लेना पड़ेगा। इसलिए स्टैटिक आईपी जितने सर्वर होते हैं और राउटर पोर्ट होते हैं उनको ऑटोमेटिक के बजाय स्टैटिक अलॉटमेंट करते हैं, कभी भी डीएससीपी नहीं करते हैं, ताकि स्टैटिक करने से उसका आईपी बदल नहीं सकता, वो फिक्स रहेगा जब तक आप ना बदलोगे। डीएससीपी में गुंजाइश है, घर में ही आप जोड़ लें तो ये गुंजाइश है कि आप अगली बार आपकी आईपी दूसरी मिले, तीसरी मिले, ठीक है? समझ में आई मेरी बात? और कुछ पूछना है? कल हम लोग डीएनएस करेंगे और एक ग्रुप का फोटो रखेंगे, तो 2 बजे सब लोग तैयार रहिएगा कल, ठीक है? करके देखिएगा, इसको सेव कर लीजिए, इसी में डीएनएस कराना है तो टाइम बच जाएगा आप लोगों का। मैं सेव कर लिया। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।